जस्ट एन ऑसम प्लेस. चलता है कि नहीं पता नहीं, ओ चलता है. नमस्ते दोस्तों, और आज सिंगापुर में पांचवा दिन, और आज मैंने 100 किलोमीटर्स किया पसीर रिस पार्क तक, और पसीर रिस पार्क तक मैंने मरीना बे सैंड्स तक गया. तो ये पूरा मैप है आज का जो मैंने कवर किया. स्टार्ट करता हूँ पसीर रिस बीच, यानी एमआरटी से स्टार्ट करता हूँ पसीर रिस, और मैं पहुँचता हूँ लिटिल इंडिया. तो मैंने सुबह शुरुआत की थी और मैं रात को पहुँचता हूँ, यानी करीबन दिन भर में 7 से 8 घंटे मैंने साइकिल चलाए हैं, डेफिनेटली ब्रेक्स ले लेकर, और 100 किलोमीटर्स के ऊपर ही मैंने कवर किया होगा, क्योंकि कहीं कहीं पर गलतियों से और कहीं रास्ते भटक जाता था. और स्टार्ट करता हूँ कैम्बेल हॉस्टल से. बहुत ही घटिया हॉस्टल है, ठीक है. यहाँ पर लोग महीने महीने सालों साल रह रहे हैं, क्योंकि सिंगापुर में घर लेना महंगा पड़ता है, तो लोग यहाँ पे डॉर्मेट्रीज में रहते हैं. और 2 दिन रहने के बाद तो मैं यहाँ से निकल पड़ा, क्योंकि बहुत ही बदबू मार रही थी. देखिए यहाँ पर तो थोड़ा सस्ता भी रहे तो भी मत जाना, मैंने गलती कर दी, आप ये गलती न करना. तो शुरुआत करते हैं कैम्बेल से, हॉस्टल से, और मैं यहाँ से साइकिल लेके जाता हूँ बुगिस एमआरटी, क्योंकि बुगिस एमआरटी ईस्ट वेस्ट लाइन में आता है, और वो मुझे लेकर जाएगा बाय मेट्रो टू पसीर रिस्क एमआरटी. तो ये आया आपका बुगिस एमआरटी स्टेशन. और बुगिस एमआरटी से मैं जाता हूँ पसीर रिस एमआरटी. करीबन 1 घंटे 5 मिनट का रास्ता है बाईसाइकिल, तो मैंने कहा शॉर्ट ले लेते हैं, मेट्रो ले लेते हैं, आसान पड़ जाएगा. दोस्तों अब मैं पहुंचता हूं पसीर रिस एमआरटी. यहां से साइकिल करते हुए मैं पहुंचता हूं पसीर रिस टाउन पार्क. ये जो पार्क है इसके अंदर एक छोटा सा लेक है, और इस लेक में काफ़ी सारी मछलियां डाली जाती हैं, करीबन 1 लाख से 1.5 लाख, और लोग यहां पर आकर फिशिंग करते हैं. तो ये पॉन्ड की एक मेम्बरशिप होती है, लोग यहाँ पर आते मेम्बरशिप पेमेंट करते हैं और फिशिंग करते हैं. और सुबह से कोई एक्सरसाइज नहीं हुई थी, तो ये मैं ओपन ग्राउंड में आ गया एक्सरसाइज पार्क में, थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच किया और थोड़ी सी मूवमेंट की बॉडी की, जो अच्छा लगा. सिंगापुर के हर एक पार्क में आपको ऐसी मुर्गियां भटकती हुई मिलेंगी, और बहुत सारी मुर्गियां हैं पार्क्स में. पसीर रिस टाउन पार्क से अब मैं निकलता हूँ बाहर की तरफ, और मैं जाता हूँ पसीर रिस बीच. और ये है सुंगई टेम्पाइन ब्रिज.
सुंगई टेम्पाइन ब्रिज से मैं राइट साइड जाता हूँ और यहाँ पर कुछ देर मैं आराम से बैठता हूँ। ये जो रेड मार्क है, यहाँ पे एक छोटा सा चेयर था तो थोड़ा मैंने वक्त यहाँ पर बिताया। यहाँ पर आउल देखने का मौका मिला। काफ़ी बड़ा पार्क था और ग्रीनरी काफ़ी थी और बर्ड्स के बहुत सारे वैरायटीज़ देखने को मिले यहाँ पर। एज़ यूजल कॉफ़ी की बड़ी तलब थी तो मैं पहुंचता हूं जॉर्ज ग्रिल। ये वो जगह थी जहां पर मैंने अपने आधे घंटे मान के चली बिताए, गाने सुने और सुकून से बैठा और माहौल को एंजॉय किया। दोस्तों, पसीर रिस बीच से निकलते हुए और मैं पहुंचता हूं चांगी फेरी पॉइंट। ये वो फेरी पॉइंट है जो आपको पुलाव उबिन आइलैंड लेकर जाता है, लेकिन आज मेरा प्लान नहीं था, ये प्लान कोई और दिन का था और आज मैं पहुंचता हूं चांगी फेरी पॉइंट। और ये है चांगी पॉइंट ब्रिज जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ। और अब हम पहुंचते हैं इंसेप्शन ऑफ द आइलैंड। बेसिकली उसको फिंगर्स कहा जाता है और लोग अक्सर यहाँ पर आके फ़ोटो निकालते। एक छोटी सी पॉइंटिंग फिंगर है और अच्छी जगह थी तो आई इंजॉय दैट। और हम आ गए हैं
चांगी बीच पार्क, और यहाँ से हम निकलते हैं चांगी एयरपोर्ट की तरफ, लेकिन चांगी एयरपोर्ट के बैक साइड से। देखिए, हर एक वॉशरूम्स में, टॉयलेट्स में आपको पीने का पानी मिल जाता है, और बकायदा हर एक वॉशरूम्स एकदम साफ सुथरे रहते हैं, वेल मेंटेन मैं कहूँगा। और अब हम आते हैं चांगी बे पॉइंट। ये मेरा सबसे फेवरेट स्पॉट था, क्योंकि बड़ा सुकून था, यहाँ पर कोई नहीं था, और मेरे पास था बाइनोकुलर, जिसका मैंने भरपूर आनंद उठाया। जस्ट एन ऑसम प्लेस, बहुत ही बढ़िया है। और ये ईस्ट कोस्ट पार्क जो है, जो कनेक्ट करता है चांगी एयरपोर्ट से, और पहले पसीर करके कुछ नाम है, जो रोड उन्होंने बनाया है बहुत ही अच्छा है साइकिलिस्ट के लिए और पेडेस्ट्रियंस के लिए। और मैं तो कहूँगा कि एवरी साइकिलिस्ट शुड कम हियर फॉर एटलीस्ट 15 डेज। यस, लोग कहते हैं कि सिंगापुर बहुत छोटा है, लेकिन एक्चुअल में आपने सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखे हैं। अगर आप साइकिल से इसको कवर करेंगे तो बहुत कुछ है देखने लायक। हर एक पार्क में जो फैसिलिटीज़ है, शावर से लेकर ड्रिंकिंग वाटर, एवरीथिंग इज़ सो गुड। और जगह जगह पे लिखा है कि यहाँ पे ड्रोन फ्लाइंग अलाउड है, यहाँ पे ड्रोन फ्लाइंग अलाउड नहीं है। सो अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटी, आई विल से सुपर, इज जस्ट क्लास अपार्ट, एंड आई एम जस्ट लविंग इट एवरी बिट ऑफ इट। और ये देखिए बाइनोकुलर, इतना स्ट्रांग है ये बाइनोकुलर कि दूर दूर तक जितने भी ये पहाड़ हैं वो इतने क्लियर लग रहे हैं, वहाँ के इंसान दिख रहे हैं मुझे, जो दूर दिख रहा है आपको इस बाइनोकुलर से, आपको बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, सुपर।
और वहाँ से थोड़ी आगे ही आप जाएंगे तो आपको बढ़िया से साफ सुथरा टॉयलेट मिलता है, और जो टॉयलेट की जगह है बहुत ही सीनिक व्यू है, देखने में मज़ा आ जाएगा। चेक द फैसिलिटी, आई मीन से वंस अगेन, वाटर बॉटल फिल करना है तो यहाँ वाटर बॉटल फिल कर लें। वर्किंग ओके, वाह, व्हाट एल्स, फीमेल मेल टॉयलेट्स, एंड इनके टॉयलेट्स क्या क्लीन है यार, यानी कि इट्स सो सरप्राइजिंग, ओह सुपर। आई मीन से जस्ट अगर आपको नहाना है तो भी चलता है कि नहीं पता नहीं, ओ चलता है चलता है चलता है, ओ फिश पानी का अब व्यू। शावर की भी फैसिलिटी है तो आपको अगर नहाना है तो नहा सकते हैं। मीन्स कैन यू इमेजिन दिस, और ये बीच के पास ये टॉयलेट है। हमारे यहाँ का शौचालय तो बहुत सारी यादें होती हैं जब आप साइकिल चलाते हैं तो, और साइकिल चलाते वक्त आप एक अलग ही जोन में रहते हैं, हवा लगती रहती है, नज़रें यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं, एक अलग सा आनंद की अनुभूति होती है। साइकिलिंग अपने आप में एक मेडिटेशन है अगर आप लेजर साइकिलिस्ट हो तो। थोड़ा आराम करने के बाद हम निकलते हैं सबसे लॉन्गेस्ट रूट, रोड लंबा रोड है और आपके राइट साइड में गाड़ियां आ जा रही हैं, बट बहुत ही सुकून वाला साइकिलिंग था ये रोड पर। इनफैक्ट ये जो रूट है लोकल साइकिलिस्ट, जहाँ जो रोडी साइकिलिस्ट हैं इस रूट को बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा करके ये तन्हा ही रहता है, इसका नाम भी है तन्हा मेरा रोड। क्या बात, और अब हम पहुंचते हैं बेडोक जेटी। यहाँ पर लोग फिशिंग के लिए आते हैं, साइकिलिंग के लिए भी आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से जो आप आपके राइट हैंड साइड पे मरीना बे सैंड्स की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और फ्लायर का व्हील बहुत ही अच्छा दिखता है। और बेडोक जेटी से होते हुए हम जाते हैं सिंगापुर वेक पार्क। यहाँ पर लोग सर्फिंग करते हैं, असिस्टेड सर्फिंग, बच्चे सर्फिंग करते हैं। कुछ 15-20 मिनट देखने में बड़ा आनंद आया और अच्छा खासा वक्त यहाँ पर बीता। दोस्तों अब बेडोक जेटी से होते हुए मैं अभी भी ईस्ट कोस्ट पार्क में हूँ। यहाँ से मैं साइकिलिंग करते हुए जाता हूँ
ये वेक पार्क, सिंगापुर वेक पार्क, और फिर यहाँ से कंटिन्यू ईस्ट कोस्ट पार्क को लेते हुए गो साइकिलिंग, ये पूरा रूट बड़ा ही ग्रीनरी है कवर करते करते, और आप पहुँचते हैं वंस अगेन सिंगापुर की वंस अगेन वेरी फेमस जगह जो है मरीना बे सैंड्स। और मरीना बे फ्लायर के सामने मैं आ जाता हूँ और यहाँ से मैं साइकिल करता हूँ और वापस एक बार यू टर्न मारता हूँ पूरी तरीके से। मैं साइकिलिंग करता हूँ गार्डन बाय द बे ईस्ट साइड और ये पूरा सर्कल लेता हूँ मरीना बराज ब्रिज एंड डैम, मरीना बराज से होते हुए क्लाउड फॉरेस्ट फ्लावर डोम और मैं फिर पहुँचता हूँ हेलिक्स ब्रिज, और यहाँ से एज यूजुअल साइकिल करते हुए मैं चलता हूँ लिटिल इंडिया। एक ब्रॉम्पटन का डुप्लीकेट कॉपी चाइनीज़ ब्रांड मुझे मिला देखने को और बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया था विथ टियाग्रा ग्रुप सेट, बहुत ही सुंदर और आधे दाम में, लेकिन क्योंकि चाइना का माल है मुझे श्योरिटी नहीं है। इट्स बेटर टू बाय ओरिजिनल ब्रॉम्पटन, महंगा है बट टिकाऊ है, वो कहते हैं ना हिंदी में, महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार। और फाइनली मैं पहुंचता हूं हेलिक्स ब्रिज। हेलिक्स ब्रिज की डिज़ाइनिंग अपने आप में बहुत ही सुंदर है और जब आप साइकिल अंदर से चलाते हैं तो एक अलग ही मज़ा आता है, एक अलग ही फीलिंग होती है जब आप एक केज्ड टनल में साइकिल चला रहे हो, ऐसी फीलिंग आती है। सिर्फ इस ब्रिज के डिज़ाइन को देखिए, बड़ा ही सुंदर लगता है। ये डीएनए मॉलिक्यूल का डिज़ाइन है जो इन्होंने इसको ब्रिज में कन्वर्ट किया है, बहुत ही सुंदर। दोस्तों आज की जो राइड थी वो वन ऑफ द बेस्ट राइड्स थी सिंगापुर में, मैंने काफ़ी सारे राइड्स किए थे लेकिन आज का दिन बहुत ही यादगार था। तो यकीन मानिए आज मुझे 100 किलोमीटर करने के बाद भी थकावट का कोई एहसास नहीं, बड़ा मज़ा आया। कल रेस्टिंग डे होगा, कोई शॉर्ट राइड करेंगे, लेट्स सी। आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, नमस्ते।